अब देखते हैं अपने आगे, इसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं अपने। कुछ केस पढ़ेंगे अपने। केस फर्स्ट, मैं एक रिएक्शन नोट कर रहा हूँ, NO प्लस O2 और 2NO2। क्लियर? ये एक कोई इक्वेशन है अपने पास, कोई भी एक समीकरण है या इक्वेशन बोलेंगे इसको अपने। तो उसमें क्या है, देखो क्या करना होगा, और ऑर्डर जो होता है वो मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और कौन से पार्टिकल्स जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो, जिनकी क्या हो, कंसंट्रेशन चेंज हो। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको केस मिलेगा, क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो इसका तो अपने को करना है चेंज, इसको रखना है फिक्स, फिर जो रेट है वो किस टाइप से चेंज होगा। तो देखो यहां पर ये कहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन को टू टाइम्स किया, कितना किया, टू टाइम्स, इसकी कंसंट्रेशन है फिक्स, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, तो जो रेट है ना वो भी मेरे को, वो मिला मेरे को फोर टाइम्स इंक्रीज मिला। क्या मिला? रेट मिला मेरे को फोर टाइम्स इंक्रीज। क्लियर? समझो एक बार आप इसको, अगर ये कहे कि कंसंट्रेशन को थ्री टाइम्स किया और रेट मिला मेरे को नाइन टाइम्स, और वो भी क्या, इंक्रीज। क्लियर? अगर ये कहता है कि इसको करें अपने फोर टाइम्स और रेट मिला मेरे को सिक्सटी टाइम्स इंक्रीज, क्या मिला मेरे को, रेट मिला 60 टाइम इंक्रीज, तो ये कंडीशन दी होगी आपको। क्या, दोबारा से देखो, ये कोई भी रिएक्शन है और इसकी कंसंट्रेशन चेंज मिलेगी आपको और रेट भी चेंज मिलेगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसी कंडीशंस पर इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। तो देखो ऑर्डर कैसे निकालते हैं अपने, ऑर्डर निकालते हैं अपने रेट इज इक्वल टू के, और यहां पर अगर मैं लिखूं NO, NO इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करना है मेरे को, और यहां पर मिला मेरे को X, क्या लिख लिया मैंने, X लिख लिया। तो देखो अब क्या है, आप थोड़ा सोचो, इसको किया मैंने टू टाइम्स, टू NO किया, कितना किया, टू NO, ये नहीं लिखना, ये ध्यान रखना, ये नहीं लिखना अपने रेट के लिए, ये वैल्यू इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या बैलेंस करने के लिए। क्लियर? तो आपने क्या करना है कि जब टू टाइम्स किया तो मेरे को रेट मिला फोर टाइम्स, तो यहां पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब आप ये सोचो कि ये कोई वैल्यू है, इसका आंसर फोर कब आएगा, जब मैं इसकी पावर कितनी लगाऊं, यहां पर टू लिखा हुआ है अंदर, एनओ तो है, इसकी तो पावर का कुछ मतलब नहीं बनता। तो देखो टू की पावर मैं कितनी लगाऊं, क्या आ जाए, फोर आंसर आ जाए। तो एक्स की वैल्यू मैं टू लगा दूं क्या, अगर एक्स की वैल्यू मैं क्या लगा देता हूं, टू, तो आंसर आ जाएगा फोर। फिर ये कहता है कि देखो सभी को चेक करना होगा, आपने ऐसे नहीं एक को चेक किया और आप ऑर्डर बता दो, वैसे होगा सभी का एक जैसा, पर सभी को चेक करने से आपकी जो करेक्शन है वो आपको बढ़िया पता चल जाएगा कि आप इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है क्या। देखो अगर मैंने किया थ्री टाइम्स, थ्री एन ओ, इसकी पावर भी मैं टू लगाता हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है नाइन, मतलब थ्री टाइम्स जब चेंज किया किसको, कंसंट्रेशन को, तो रेट मिला मेरे को नाइन टाइम्स, और वो भी इंक्रीज मिला। अगर मैं आपको, अब आपको आइडिया होगा, हो गया होगा कि अगर मैं आपको फोर टाइम्स लगाता हूँ और इसको भी स्क्वेयर करता हूँ तो मेरे को मिलता है सिक्सटीन। तो फोर टाइम्स क्या किया, कंसंट्रेशन को चेंज किया, और उसके बाद जो रेट मिला मेरे को वो क्या मिला, 60 टाइम इंक्रीज मिला। क्लियर? अब और एग्जांपल देखते हैं आपने। देखो ऐसे एग्जांपल से ही आपको पता चलेगा कि जो कंसंट्रेशन है, सॉरी जो ऑर्डर है वो कैसे निकालेंगे। देखो और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट मिला, इसकी कंसंट्रेशन को ये कहता है टू टाइम्स इंक्रीज करें, तो जो प्रोडक्ट, जो रेट है, रेट है वो टू टाइम्स ही इंक्रीज मिलेगा मेरे को। अगर इसकी कंसंट्रेशन को थ्री टाइम्स इंक्रीज करता हूँ
तो रेट जो है वो भी मेरे को 3 times इंक्रीज मिलता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन को 4 times करता हूँ तो इसका रेट भी मेरे को क्या मिलता है, 4 times मिलता है। तो फिर वही बात, अपने रेट कैसे काउंट करते हैं, के और आर है यहाँ पर और एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इसको किया मैंने 2R और इसका आंसर मिला मेरे को 2। फिर मैंने किया के 3R और इसका आंसर मिला मेरे को 3। फिर मैंने किया के 4R और इसका आंसर मिला मेरे को 4। तो देखो, जब मैंने कंसंट्रेशन डबल की तो रेट भी डबल हो गया, कंसंट्रेशन ट्रिपल की तो रेट ट्रिपल हो गया, कंसंट्रेशन 4 times की तो रेट भी क्या हो गया, 4 times। तो यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू मैं क्या लिख दूँ, अगर 1 लिखूँ तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। और x की वैल्यू जो होती है वो अपने क्या मानते हैं उसको, ऑर्डर, क्योंकि मैंने आपको बताया था x प्लस वाई बराबर n होता है और n क्या होता है, ऑर्डर। तो n जो है वो तो है नहीं, यहाँ पर एक ही है, सॉरी y नहीं है यहाँ पर, अपने जो रेक्टेंट है वो एक ही टाइप का है, क्लियर। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या मिला मेरे को, 1 मिला। और एग्जाम्पल देखते हैं अपने, देखो यही लेते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कहता है कि अगर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 2 times किया तो जो रेट है ना वो नो चेंज, ठीक है। 3 times किया तब भी नो चेंज, 4 times किया तब भी नो चेंज। तो देखो नो चेंज कब मिलेगा मेरे को, देखो रेट इज इक्वल टू के एंड आर की पावर एक्स, ये निकालना है मेरे को। अब मैं क्या करूं, के 2R किया, x यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं मिला मेरे को, नो चेंज। यहाँ पर k किया, 3R किया, x यहाँ पे भी क्या, नो चेंज, 4 लिख देना, नो चेंज। तो देखो नो चेंज कब मिलेगा मेरे को, बिल्कुल ही चेंज नहीं हो, रेट जितना है उतना ही रहे, तब यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर क्या लगा दूँ, 0 लगा दूँ, x की वैल्यू क्या लगा दूँ, 0 लगा दूँ, तो वही वैल्यू आएगी जो पहले थी, क्लियर। क्योंकि कोई भी जो डिजिट जो होती है उसकी जो पावर अपने 0 लगाते हैं उसकी वैल्यू आती है 1, तो पहले जितना ही है, क्लियर। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये जो रिएक्शन होगी वो आपसे पूछा जाएगा, इस रिएक्शन का अगर ऑर्डर बताओ तो आप ऑर्डर बता सकते हो इजीली, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या मिलेगा मेरे को, इस रिएक्शन का ऑर्डर मिलेगा मेरे को 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं अपने आगे नेक्स्ट, देखो उसमें अपने पढ़ेंगे अब कि मेरे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में चेंज हो गया, रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। मैंने इसकी कंसंट्रेशन को किया 2 times तो जो रेट है ना उसको वो हो गया 1/4 times, कितना हो गया 1/4 times। मैंने कंसंट्रेशन की 3 times तो रेट मिला मेरे को 1/9 times। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस जो रिएक्शन है उसके लिए ऑर्डर बताओ तो कैसे निकालेंगे अपने, ऑर्डर वापस वही कि रेट इज इक्वल टू के और आर, एक्स आर को किया मैंने 2R, एक्स और आंसर मिला मेरे को 1/4। 1/4 मिला तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता करनी है अपने को, एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपने, एक्स की वैल्यू मैं -2 लिख दूँ क्या, एक्स की वैल्यू -2 लिख देता हूँ तो आंसर आता है 1/4। अगर मैं 3R लिखता हूँ और इसकी भी वैल्यू -2 लिखो तो इसका आंसर आएगा 1/9, क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है, एक्स की वैल्यू क्या मिली मेरे को, -2, और यही इसका क्या है, ऑर्डर है, क्लियर। ऐसे अपने इसको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और वो आपने उसका होमवर्क जैसे भी आप करोगे, कॉपी की फ़ोटो भेजोगे मुझे, HW है आपका आज फर्स्ट टाइम, और क्या है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन को किया मैंने, हाँ इसकी कंसंट्रेशन को किया मैंने 2 times, 2 times इंक्रीज कर दिया तो रेट मिला मेरे को 1.3, 1 point क्या मिला, 3 times, और रेट लिख देता हूँ। और अगर मैं करता हूँ इसको 4 times और इंक्रीज करता हूँ तो रेट मिलता है मेरे को 2 times। तो अब इसकी जो ऑर्डर है उसको कैलकुलेट करना है,
क्लियर, ये क्वेश्चन है, दोबारा से देख लो। ये कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन को मैंने किया डबल, डबल किया तो रेट मिला मेरे को 1.3 टाइम्स, और अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मैंने किया 4 टाइम्स तब रेट मिला मेरे को 2 टाइम्स इंक्रीज। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपने करना है और मुझे सेंड करोगे पर्सनली। अभी आज का टॉपिक अपने यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।